ग्रामीणों के बीच आप नजर आ रहे हैं, किस तरह से रिझाने की कोशिश, विकास को लेकर के पहले भी इस क्षेत्र में आपका नाम काफ़ी चर्चा में रहा है। देखिए, 5 साल से कांग्रेस की सरकार और 10 साल से संत राम का यहाँ पर विधायक बनना इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कष्टप्रद रहा है और लगातार यहाँ की जनता को अनेकों प्रकार के प्रलोभन दे करके, बड़े झूठे वादा करके कांग्रेस की सरकार बनी और संतराम विधायक जो यहाँ के हैं उन्होंने कई स्थानों पर कई कामों का भूमि पूजन किया है, लेकिन कोई भी काम उन्होंने पूरा नहीं कराया है। उस बात को लेकर के इस क्षेत्र की जनता में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है और ये सब के सब आने वाले 7 नवंबर को मतदान के दिन कमल छाप पर अपना मोहर लगा करके भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित करने का संकल्प लिया है और उसी संकल्प को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए मैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग गांवों में पहुंच रहे हैं। सर, पूर्व कलेक्टर यहां रहे हैं आप, जनता का कितना सहयोग रहेगा आपके ओर? मुझे लगता है कि उन दिनों में मेरा जो काम था, जिसके कारण नीति आयोग में पूरे भारत देश में कोंडागांव जिले का नाम रोशन हुआ, बहुत सारे जो यहाँ के शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना, कौशल विकास, इस तरह के बहुत सारे जो इंडिकेटर्स थे, उन सब को हमने कलेक्टर रहने के दौरान काम करने की कोशिश किया, कुपोषण को दूर करने की कोशिश किया गया और उससे आम जनता को जो फायदा हुआ है, लोगों को आने जाने की सुविधा मिली है, लोगों को लाइट की सुविधा मिली है, पानी का सुविधा मिला है, उन सारे काम का फायदा इस चुनाव में मुझे मिलेगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ और आम जनता इसको हर जगह पर दोहराती भी है। सर, यदि आप जीत जाते हैं तो आगे किस तरह से विकास लाएंगे? मैं बहुत सारे काम चालू किए थे मेरे समय में, जैसे मक्का प्रोसेसिंग प्लांट, कोंडागांव जिले के 45,000 किसानों ने सहकारिता के माध्यम से मक्का प्रोसेसिंग प्लांट तैयार करने के लिए प्रशासन के साथ कंधा से कंधा मिला करके काम चालू किया था। इसके लिए 7 करोड़ रुपए का अंशदान किसानों ने दिया है, 110 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट था, जिसमें किसानों को 20 रुपया में उसके मक्का को खरीदी करने का उसके गांव में प्रावधान किया गया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने मुझे यहां से हटा दिया, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट स्थगित हो गया है। तो सबसे पहले तो उस काम को आगे बढ़ाया जाएगा, इसके अलावा किसानों के अलग अलग ग्रुप तैयार किए जाएंगे और उनको राज्य शासन और केंद्र शासन की विभिन्न योजनाओं से सिंचाई की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था और मार्केटिंग की व्यवस्था की जाएगी। मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ इस क्षेत्र को ले जाने का विचार है। हम हॉर्टिकल्चर में और यहाँ पर वन औषधि में हम काम करना चाहेंगे। आने वाले दिनों में यहाँ के सारे जो बेरोज़गार हैं उनको कैसे स्वरोजगार मिल सके, उस पर काम किया जाएगा। और इस समय सबसे ज़्यादा नाराज़गी स्थानीय भर्ती को समाप्त करने के कारण हो रहा है, उसके लिए यहाँ के युवाओं के साथ लड़ाई लड़ी जाएगी, ताकि यहाँ पर सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की बनती है तो फिर से स्थानीय भर्ती का नियम जो है वो प्रारंभ किया जाएगा, इसके लिए भरसक प्रयास किया जाएगा। शुक्रिया। बस्तर की लाइफलाइन कहे जाने वाली केसकाल घाट के हालत आप सभी देख रहे हैं, आने जाने वाले लोगों को हमेशा संदेह बना रहता है कि आज घाट प्रारंभ चालू है या बंद है। और मैं जब कलेक्टर हुआ करता था यहाँ पे, तो 3 साल में एक भी दिन उस घाट में जाम नहीं लगा था, क्योंकि उस समय का जो प्रबंधन था बहुत ही अच्छे तरीके से हम यातायात को संचालित करते थे। लेकिन आज वो इतने सारे उसमें गड्ढे पड़ गए हैं और इतना ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो रहा है, और यहाँ के माननीय विधायक ने यहाँ के बाईपास निर्माण के लिए और घाट के मरम्मत के लिए और घाट में लगने वाले जाम से निपटने के लिए
कोई दूरदृष्टि नहीं रखा, प्रशासन के साथ कोई उन्होंने समन्वय स्थापित नहीं किया, जिससे ना केवल कोंडागांव जिले का बल्कि पूरे बस्तर संभाग और पूरे छत्तीसगढ़ के राज्य के लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। इस पर भी लोगों का ध्यान जा रहा है बार बार, ये भी इस चुनाव का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। जी, शुक्रिया।